हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए मिक्स वेज मंचूरियन विथ करी लेके आई हूँ, चाइनीज़ ग्रेवी के साथ। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स का प्रयोग किया है दोस्तों। सबसे पहले मैंने 2 कैरेट लिए थे और उन्हें अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से निचोड़ के रख लिया है। और अब देखिए, मैंने इसमें लगभग 250 ग्राम लौकी लिए हैं। लौकी को भी मैंने ग्रेट कर लिया था और उसे भी मैंने निचोड़ कर डाल दिया है। और उसके साथ ही मैंने 1 बीटरूट लिया है, उसे भी मैंने ग्रेट करके उसके पानी को भी अच्छे से निचोड़ कर रख लिया था। और उसके साथ मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है। और 1 मैंने अनियन लिया है, उसे भी मैंने लंबे लंबे स्लाइस में पतले पतले काट लिया है। दोस्तों, हमने जो भी पानी निचोड़े हैं उसे फेंकूँगी नहीं, उसे मैंने एक बाउल में रख दिया है। उसका प्रयोग भी मैं इस ग्रेवी में करूँगी। इस तरह मैं किसी भी विटामिन या प्रोटीन या जो भी हैं उसे बर्बाद नहीं होने दूँगी। और अब मैंने इसमें लगभग 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें भर करके टेबलस्पून से मैदा लिया है, और 4 टेबलस्पून भर करके मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चाहें तो मैदा और कॉर्नफ्लावर हाफ हाफ भी ले सकते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने से अच्छे कुरकुरे होते हैं इसके बॉल्स। और अब मैंने इसमें स्वादानुसार सॉल्ट डाला है, साथ में ही मैं 1 चम्मच भर के सोया सॉस डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैंने कूटे हुए इसमें पेपर डाले हैं दोस्तों। और अब सबों को मैं पहले मिलाऊँगी, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर थोड़ा सा आप मैदा या कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से कॉर्नफ्लावर और मिलाए थे क्योंकि मुझे ये थोड़े से पतले लग रहे थे, इनमें हल्का सा वाटर कॉन्टेंट ज़्यादा था। तो लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने और इसमें कॉर्नफ्लावर मिला दिया है फ्रेंड्स। और अब सबों को मैं हाथ से बॉल बना लूँगी। और देखिए, इधर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए, मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ ब्लैक पेपर भी डाल दिया। ब्लैक पेपर अवश्य डालिएगा, उससे न केवल फ्लेवर अच्छा आता है बल्कि टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा मैंने देखिए और भी मिलाया है क्योंकि मुझे और भी ये थोड़े लिक्विडी लग रहे थे। और अब मैं इसका बॉल बना बना के डायरेक्ट तलते जाऊँगी दोस्तों। मैंने ऑयल को खूब गर्म करके उसे मीडियम पर कर दिया था। अब हाई पर भी मत तलिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से लाल हो जाएंगे। और बहुत लो फ्लेम में भी मत डालिएगा, वरना हमारे जितने भी बॉल्स हैं तो टूट जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने ऑयल को गर्म करके उसे कम कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें अपना बॉल्स राउंड राउंड बना के इसमें डालना शुरू कर दिया है। बॉल्स की गोलाई बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से मैं उलट पलट के बॉल्स को तल लूँगी। तुरंत मत पलटिएगा, जब एक तरफ से बॉल्स हल्के थोड़े पक जाएं तो उन्हें उलटिएगा दोस्तों। बाकी के मैं इसी तरह बॉल्स बना बना के रख लूँगी और उसे उलट पलट के मैं इसी तरह तल लूँगी फ्रेंड्स। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी भी है और बच्चों के लिए तो हेल्दी भी है। बच्चे सब्जियां खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरह से आप उन्हें मगर बना के देंगे, न केवल वो खाएंगे बल्कि उन्हें पसंद भी बहुत आएगा और हमेशा आपसे डिमांड करेंगे फ्रेंड्स। इसमें आप चाहें तो पनीर भी मिला सकते हैं। मेरे पास जितने भी वेजिटेबल थे मैंने सबों का प्रयोग किया है, और सबों को मैंने निचोड़ लिया है और उसके पानी को भी नहीं फेंका है। जैसे बीटरूट, कैरेट या लौकी, सभी के पानी को मैंने एक बॉल में रख दिया है, और उसी में मैं कॉर्नफ्लावर घोल के इसका जब मैं ग्रेवी बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी दोस्तों। उसे उलट पलट के अच्छी तरह से सेक फ्राई करके निकालिएगा फ्रेंड। देखिए, मेरे जो फ्राई हो गए हैं उसे मैं निकाल लूंगी, और उसी तरह से मैं बाकी सारे बॉल्स को भी फ्राई कर लूंगी फ्रेंड्स। अब फ्राई कर लेने के बाद ऑयल अगर ज़्यादा लगे तो कम कर दीजिएगा, मैंने ऑयल कम किया था। और उसके बाद इसी तरह फ्राई करके मैं सबों को निकाल लूँगी। और अब देखिए, जब मैंने सबों को फ्राई कर लिया, ऑयल कम कर दिया है मैंने, लगभग 2 छोटे चम्मच ऑयल मैंने रखा है। और अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक अच्छे से कुचले हुए डाल दिए हैं, आप चाहें तो बारीक कतर भी सकते हैं। और अब मैंने थोड़े से वेजिटेबल्स को रख लिया था और उसे मैं इस पर डाल दूँगी। जितना भी हमने बॉल्स के लिए डाला था जो जो वेजिटेबल, उन सभी को मैंने छोटा छोटा काट के रख लिया था, और उसको अब मैं डाल के पहले थोड़ा सा सॉटे करूँगी, उसे ज़्यादा पकाना नहीं। और देखिए, हमारे जितने भी पानी बचे थे निचोड़े हुए वेजिटेबल्स के, उसमें ही मैंने कॉर्नफ्लावर को मिला के अच्छी तरह रख लिया है। मैंने 2
टीस्पून भर कर के कॉर्नफ्लावर मिलाया है। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से कम या ज़्यादा कॉर्नफ्लावर कर लेंगे दोस्तों। और अब देखिए अदरक लहसुन जब के कच्चेपन के ख़त्म होने के बाद मैंने जो वेजिटेबल डाला था वो भी अच्छी तरह सॉटे हो गए दोस्तों। अब उसमें मैंने थोड़ा सा एक चम्मच भर करके इसमें सोया सॉस डाला और चिली गार्लिक सॉस डाला है फ्रेंड्स, और किसी सॉस की आवश्यकता नहीं। साथ में मैंने एक टीस्पून भर करके मैंने इसमें ब्लैक पेपर कूटा हुआ डाला है। जब भी डालिए ब्लैक पेपर को तो ताज़ा कूटा हुआ डालिए दोस्तों। और अब देखिए मैंने इस पानी को डाल दिया है। यह पानी न केवल फ्लेवरफुल है बल्कि विटामिन और बाकी सभी चीज़ों से भरपूर है। इसी में मैंने अच्छी तरह से घोल करके कॉर्नफ्लावर को डाल दिया था फ्रेंड्स। और अब देखिए कितनी जल्दी ये गाढ़ी हो गई है। इस तरह से हमारे किसी भी चीज़ की बर्बादी नहीं हुई और हमने इसे न केवल हेल्दी बनाया है बल्कि न्यूट्रिशस भी बनाया है दोस्तों। और अब मैंने स्वादानुसार सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी सॉस होता है और चिली सॉस में भी थोड़ा था, तो मैंने स्वादानुसार नमक डाला है। ब्लैक पेपर तो मैंने डाल ही दिया है। और जब ये अच्छी तरह से बॉयल होने लगे हमारे सॉस तो मैंने इसमें बॉल्स डाल दिया है दोस्तों। और इसी तरह से मैं थोड़ा एक से डेढ़ मिनट या दो मिनट तक मैं इसमें बॉयल होने दूंगी, इसमें अंदर तक ग्रेवी चला जाए। और जब ये अच्छे तरह से बॉयल हो जाए, अगर आपके पास ग्रीन अनियन के पत्ते हो तो उससे सजावट कर दीजिए, या आपके पास धनिया के पत्ते हो तो उससे भी आप ग्रेवी को सजावट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें बच्चों को खिलाने के लिए इसमें मैंने आइसक्रीम वाली स्टिक डाल दी है, जिससे बच्चे आराम से उठा के ले सकें और खा सकें। और इस तरह से इसे मैंने लॉलीपॉप का आकार दिया है, बच्चे पसंद से खाएंगे भी दोस्तों और उन्हें यह रेसिपी पसंद आएगी। आप इस तरह से बना के देखिए, जितनी ये रेसिपी हेल्दी उतनी ही टेस्टी है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।